ऑल राइट व्यूअर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम आपको टॉप व्यू से कितना नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, एक 30x40 नॉर्थ फेस घर है और ऑफसेट एरिया। सो मैं क्या एक इसके बाद जो मार्कआउट किया गया था आज की डेट में 23 अगस्त 2021, इसके अंदर टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टेयरकेस के लिए सपोर्ट दिया गया। एंड किसी को प्लान चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर 8095615113, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन। स्पेशली हमारे आर्किटेक्ट हैं, बहुत बेहतरीन बनाते हैं एक इजी और एक लेटेस्ट डिज़ाइन में, नॉमिनल फीस रहेगा उसके लिए। एंड बिदर में किसी को प्लान या फिर मार्कआउट चाहिए तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ना, ये प्लान है दोस्तों। इस प्लान में ये नॉर्थ फेसिंग, यहाँ पर 2 फीट का ऑफसेट पीछे की तरफ 2 फीट ऑफसेट, इधर भी 2 फीट का ऑफसेट है। यहाँ पर पैसेज है 3 फुट चेंज का। एंड इसके अंदर 1 2 3 तीन नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे भी 3, इधर 3, 9 हो गए, इधर 10 11 1 12, ये 2 कॉलम लीजिएगा, लिए तो आपको ही अच्छा रहता, बिकॉज वहाँ पर लेने से क्या है, आपको स्टेयरकेस को सपोर्ट मिलता, नहीं तो वाइब्रेट होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। ओके, ये मोबाइल नंबर है मेरा, ये नीचे वाला। चलो इस प्लान के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, ये टॉप व्यू पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, ये कोने में 12 है, ठीक है, एक पूरा एंड पे। ये 2 जो एक्स्ट्रा है स्टेयरकेस परपोज, यहाँ पे भी, और एक्सकेवेशन करते समय क्या करना है, सेपरेट टैंक का भी एक साथ एक्सकेवेट करना, तभी आपको पता चलता। सेपरेट टैंक का एक्सकेवेट करने के इसके साथ इसका अगर मान लीजिए साइज़ कितना रहना सेपरेट टैंक का, तो उसका साइज़ आपको आता 12, अगर आप दीवार से बांध रहे तो 6 फिट 6 इंच बाय 12 फिट 9 इंच, एंड अगर आप RCC का बना रहे तो 5 बाय 11 में एक्सकेवेट कर दीजिएगा। ओके, एंड एक्सकेवेशन ये जो गड्ढा है ना, ये 4 बाय 4 का है, ऐसा डेप्थ जो है 4 फिट तक आप एक्सकेवेट कर लीजिए। तो ये टॉप व्यू था इस तरह से। एंड यहाँ पर क्या है, 3 फिट चेंज का ऑफसेट एरिया दिया गया इधर, बिकॉज फ्यूचर में अगर फर्स्ट फ्लोर उन्होंने रेंट परपोज बांधे तो वहाँ पर सफिशेंट जगह मिलना बोल के। यहाँ पर भी 2.5 फिट का जगह है, मतलब 2 फिट छोड़े गए इस तरफ, उधर भी 2 फिट का, सामने की तरफ ज़रूरत नहीं है। कार पार्किंग आता आपको पूरा ऐसा, यहाँ से ऐसा, ये तो कार इजीली आप पार्क कर सकते हैं। ये था टॉप व्यू, एंड ये है सेंटर लाइन। फ़र्क इतना ही है, ये लेवल पे कॉलम्स लेगा बस उतना। तो अब रॉड्स की बात करें तो रॉड कितना लग रहा है आपको। सो देखो यार, एक में क्या है, 16 mm का 6 रॉड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 14 कॉलम है। 14 में क्या है, 12 को 16 mm का 6 यूज़ करें, 12 12 12 12 36 फुल लेंथ होना, एक बाइंड, और ये 12 mm का होना। 8 mm का क्या है, एक को 3 बोले तो 50 रॉड मंगा रहे, 8 mm का। 10 mm जाली के लिए एक को 2 बोले तो 28 रॉड मंगा रहे, 28 बोले तो 30 लिख लिया, तो इस तरह का मंगाया गया। थैंक यू।